आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। कलेक्टर ने ली कृषि और उससे जुड़े विभागों के अधिकारियों की बैठक। कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने कृषि और उससे जुड़े विभाग, उद्यान, मत्स्य उद्योग, पशुपालन के अधिकारियों की बैठक लेकर कृषि एवं उस पर आधारित लघु उद्योग की स्थापना के संबंध में विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री आकाश सिंह, उप संचालक कृषि श्री प्रकाश ठाकुर, उप संचालक उद्यान श्री के गिरवाल, मत्स्य अधिकारी श्री रमेश मौर्य एवं जिले में कार्यरत FPO के पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत खरगोन जिले में मिर्च की फसल और उसके उत्पादों को शामिल किया गया। कलेक्टर श्री शर्मा ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मिर्च उत्पादन पर आधारित प्रधानमंत्री सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग स्थापना के प्रकरण अधिक से अधिक संख्या में तैयार किए जाए, जिससे जिले में मिर्च उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके और उस पर आधारित प्रसंस्करण उद्योगों से जिले के लोगों को रोजगार मिल सके। ऐसे उत्पाद खरगोन जिले को एक नई पहचान देंगे। इस दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म एवं मध्यम खाद्य प्रसंस्करण योजना के अंतर्गत गत वर्ष 109 प्रकरण तैयार किए गए थे। इन प्रकरणों में बैंक से ऋण मंजूर किया जा चुका है। इस वर्ष इस योजना में 200 प्रकरण तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर FPO द्वारा जिले में उत्पादित खाद्य सामग्री पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। बैठक में कलेक्टर श्री शर्मा ने खरीफ फसलों की बुआई और उनके लिए खाद आदि की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में किसानों के लिए खाद की कमी न होने दें और उन्हें DAP के स्थान पर NPK और अन्य खादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। खरगोन से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।